दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विकास नैन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे भारतीय नोटों पर छपे चित्रों के बारे में। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इस विषय पर प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय नोटों पर कौन कौन से चित्र छपे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है 2000 रुपये। 2000 रुपये का जो नोट है उस पर मंगलयान का चित्र छपा है। कौन सा चित्र? मंगलयान का। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो मंगलयान है वो भारत का पहला मंगल अभियान है। इसको 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। तो याद रखना है, 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। उसके बाद है 500 रुपये। जो 500 रुपये है उस पर लाल किले का चित्र है। किसका चित्र है? लाल किले का। ये आपको पता ही है दोस्तों, लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो है 200 रुपये। 200 रुपये का जो चित्र है वो है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है और वो किस पर छपा है? 200 रुपये के नोट पर। उसके बाद 100 रुपये का नोट। जो 100 रुपये का नोट है उस पर रानी का वाव चित्र छपा है। दोस्तों हम आपको बता दें, जो रानी का वाव है ये गुजरात में स्थित एक बावड़ी है या सीढ़ीदार कुआं है जो कि 100 रुपये के चित्र पर छपी है। उसके बाद 50 रुपये। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ जो है वो चित्र छपा है। दोस्तों अब आपको इस प्रश्न का उत्तर ये बताना है कमेंट करके कि हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है वो किस राज्य में स्थित है। आपको दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताना है कि हम्पी का पत्थर से बना जो रथ है वो किस राज्य में स्थित है। उसके बाद है 20 रुपये। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका चित्र छपा है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसको राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। तो याद रखना है दोस्तों, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस पर अंकित है? 20 रुपये के नोट पर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 रुपये। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र छपा है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसको किसने बनवाया था? नरसिंह देव राजा ने बनाया था। और इसकी जो खास बात है वो ये है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो पूरे का पूरा रथ के आकार का बना हुआ है। किसका? रथ के आकार का बना हुआ है। तो दोस्तों आपको अब ये बताना है कि हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है वो किस राज्य में स्थित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली ही कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जो क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स हैं, जीके के जो क्वेश्चन है, एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहते हैं ताकि आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि हो सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।